हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एसआरएफ प्रशांत द्वारा संचालित इस स्ट्रेस भगाओ अभियान में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने स्ट्रेस भगाने के तीन चार उपाय कर लिए हैं, और अब इस वीडियो में मैं एक और बढ़िया सा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके स्ट्रेस को लात मार के भगा देगा। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे, मतलब पिछले वाले तो करने ही हैं भैया, लेकिन उसके साथ साथ अगर इसको भी फॉलो कर लेंगे तो काफ़ी सारी स्ट्रेस जो है आपकी कम हो जाएगी, काफ़ी सारी स्ट्रेस को आप भगाने में सक्षम हो जाएंगे। पता है क्या करना है? बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है, वो ये करनी है कि आप ज़रा ये मुझे बताएं कि वो ऐसी कौन सी हॉबी है आपकी जिसको आप परसों नहीं कर पा रहे हैं। हम सबकी कोई ना कोई हॉबी होती है, जैसे किसी को गाना गाना पसंद है, किसी को कुकिंग पसंद है, किसी को रीडिंग पसंद है, किसी को टीवी देखना पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद है। आपको क्या पसंद है? आपको ये करना है कि जो कुछ भी आपको पसंद है, जो कुछ आप करना चाहते हो, उसके लिए आपको समय निकालना है। और अगर वो समय आप नहीं निकाल पाते हैं तो आप बहुत, आपको इस चीज़ की भी बहुत स्ट्रेस होती है कि हम अपना यार ये करना चाहते हैं पर हम कर नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, आपकी जो भी कोई भी हॉबी है, कोई भी हॉबी हो, फोटोग्राफी हो, जैसे मैंने और पहले बताया, म्यूज़िक है, डांस है, स्विमिंग है, कोई भी हॉबी है, उस हॉबी को परसू करिए और उसके लिए समय निकालिए। कैसे भी समय निकालिए, कभी भी समय निकालिए, ठीक है? और अब देखेंगे कि अगर उस हॉबी को आप परसू कर ले जा रहे हैं, थोड़ा बहुत भी समय उसमें दे रहे हैं, तो आप काफ़ी खुश हो जाएंगे पहले की बनिस्पत। क्योंकि हमें इस चीज़ का भी बड़ा टेंशन होता है कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। आपको मान लीजिए कोई खास हॉबी नहीं है, बड़ी दिक्कत है, दूर जाना है, ठीक है, कई क्लब नहीं जाना चाहते एक्सरसाइज करने के लिए, कहीं जिम नहीं जाना चाहते हैं, आप खुद से बात कर सकते हैं, आप खुद को तैयार कर सकते हैं, आप कुछ देर घर में ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप खुद को अपनी पसंदीदा साहित्य से जोड़ सकते हैं, अपने मन का कुछ भी करिए, अपने मन के मुताबिक जिए। जब आप सवेरे सो के उठिए, पहले जो है कोशिश करिए कि आप अपने मन के मुताबिक रहेंगे, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी बंधन के, जो आपका मन है आप वो काम करेंगे। और जितना ज़्यादा आप अपने मन मुताबिक रहने लगेंगे, रह सकेंगे, उतना ही ज़्यादा खुश रहेंगे। आपको नए कपड़े पहनने का शौक़ है, आप नए कपड़े लीजिए, पहनिए और घूमिए। आपको गाड़ी चलाने का शौक़ है, आप गाड़ी निकालिए। शौक़ को ज़िंदा रखिए, शौक़ को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। जिसके शौक़ मर गए, समझिए वो व्यक्ति जो है वो बिल्कुल फुल्ली स्ट्रेस्ड है। तो स्ट्रेस को मारना है तो शौक़ को ज़िंदा करना है। अब शौक़ तो आप अपने तलाशिए, ढूंढिए, समझिए कि इस आप कौन से ऐसे शौक़ हैं जिन्हें पूरा कर सकते हैं, और बस उन शौकों को पूरा करने में थोड़ा समय दीजिए, ठीक है? हम सब जो है बहुत परेशान रहते हैं, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन दिन में 24 घंटे भी हैं। और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना वो मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले किसी एक वीडियो में। तो देखिए, 24 घंटे में आप अपने उस शौक़ को पूरा करने के लिए कुछ तो समय निकाल लीजिए। 5% समय भी अगर आपने निकाल लिया तो भी पर्याप्त होगा। तो 5% समय दिन का जो है वो आप अपने शौक़ को पूरा करने में लगाइए, और आप देखेंगे कि खुद ब खुद जो है आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार हो रहा है। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है कि हम खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और जब आप अपने शौक़ को पूरा करेंगे तो वो स्ट्रेस कम हो जाएगा, और आपके दिमाग में जो तनाव के तार खींचे हुए थे उसमें से एक तार ढीला हो जाएगा और आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री फील करेंगे। तो स्ट्रेस भगाने में लगे रहिए,
पिछले जो स्टेप्स हैं कहिए तो मैं रिपीट कर देता हूँ क्या क्या था। सबसे पहला काम ये था कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, दूसरा ये है कि हमें किसी चीज़ को टालना नहीं है, उसे तुरंत कर देना है, तीसरा ये था कि हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना, और चौथा ये है कि हमें अपने शौक़ को ज़िंदा रखना है और उस शौक़ को परसू करना है, अपनी हॉबी को परसू करना है, अपने लिए वक्त निकालना है। चलिए, मेरे ख्याल में इतना पर्याप्त है अभी के लिए। धन्यवाद, बाय।